बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ तनु सिंह फ्रॉम मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार, ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस किया है। इफ़ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2x²-x⁴ आई प्लस e²xy-y साइन एक्स जे कैप प्लस x²cos y k कैप, ये वैल्यू हमको दे रखी है, वेरीफाई करना है। एफ़ की वैल्यू दे रखी है और एफ फंक्शन के लिए वेरीफाई करना है कि एफ का दो बार यानी सेकंड डेरिवेटिव डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, यानी एफ का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल होगा डेल टू एफ ओवर डेल डेल वाई डेल एक्स। यानी यहाँ पर पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियली, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, और जबकि इस तरफ राइट हैंड साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन हो रहा है फिर वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हम पहले फंक्शन एफ को यहाँ पर लेंगे जिसकी वैल्यू दे रखी है 2x²y-y-x⁴ आई कैप प्लस e²xy-y साइन एक्स इंटू जे कैप प्लस x²cos y k कैप। तो इसको सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालना चाह रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा पार्शियली, तो डेल ओवर डेल y इज इक्वल टू, तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पहले वाले को जब डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के लिए x कांस्टेंट होता है, तो 2x² तो कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर y के लिए x कांस्टेंट होता है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो बस i का जो कांस्टेंट है इनटू में था वो लिख लिया यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर जे कैप भी इनटू में होगा वो लिख लिया जाएगा, और इसको जब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जिस तरीके से e²y होता है उस तरीके से डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि ये वाई नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स इंटू वाई का दोबारा से इंटू करेंगे, और यहाँ पर वाई के लिए एक्स कॉन्स्टेंट होगा जो कि इंटू में होगा, तो इंटू में है तो बाहर लिख लेंगे, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। माइनस वाई के लिए के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू में जो है उससे तो हम बाहर लिख लेंगे इनटू में, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ये क्या पहले लिख चुके हैं प्लस, और फिर यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² और k कैप तो कांस्टेंट है वाई के लिए, तो इनको तो हम बाहर लिख लिया, और डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस वाई का, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन वाई के कुल आ गया। तो ये वैल्यू आई है, ठीक से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको लिख लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू ये बचेगा ओनली 2x² आई कैप और यहाँ पर प्लस इससे पहले लिख दें x e²xy-sin x जे कैप, और माइनस यहाँ पर आ जाएगी ये प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा x² sin y k कैप। अब हम इस f का यानी हम अगर निकालना चाहें लेफ्ट हैंड साइड तो डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई है, मींस जो हम पहले कर चुके हैं y के रिस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन, इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में करना होगा, इसका मतलब ये होता है, और ये वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है यानी डेल एफ ओवर डेल वाई की ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, यानी 2x² i कैप प्लस x e²xy-sin x j कैप माइनस x² sin y k कैप। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, टर्म बाई टर्म तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो x² पहले वाले टर्म का जब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं यानी 2x² का, तो 2 इंटू में है 2 और i कैप तो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, यानी ये वैल्यू चल रही है डेल 2 f वेक्टर ओवर डेल x डेल y, तो ये बताया था 2 और i कैप बाहर हो जाएंगे, और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, i कैप जो बाहर थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो सेकंड टर्म में भी दो टर्म हैं यहाँ पर, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों x के फंक्शन हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट
प्लस का साइन लगा दें और यहाँ पर लिख दें कि फर्स्ट फंक्शन एक्स ऐसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ई की बराबर एक्स वाई का, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और जे कैप तो यहाँ पर बाहर था वो लिख दें, और यहाँ पर माइनस का साइन है सॉरी, तो माइनस का साइन लगा दें और एक्स के लिए वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो साइन वाई और के कैप तो बाहर हो जाएंगे, तो सिर्फ हमें x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ करना पड़ेगा, साइन y इंटू x का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, ओके क्या यहाँ पर हमने बाहर करके लिख दिया। अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट टर्म चूँकि 2x स्क्वायर था तो इसका डिफरेंशिएशन होके ये आ गया हमारे पास 4 टाइम्स x इंटू j i कैप, और इसको हम अभी डिफरेंशिएशन करना बाकी है, तो x के रिस्पेक्ट में जैसे x मान के चलें e की बार x का e की पावर x होता है, जो कि x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में xy का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस e की पावर xy और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मन हो गया j कैप माइनस साइन y इंटू k कैप हो, तो ये वैल्यू हो गई 4xi कैप प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई, और एक्स के लिए वाई कॉन्स्टेंट है जिसे बाहर ले लेंगे और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया, प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई इंटू जे कैप माइनस साइन वाई इंटू के कैप, तो ये वैल्यू अभी आई है डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आई है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी दो है इसे इक्वेशन नंबर वन डाल दें। अब हम वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे राइट हैंड साइड के, तो उसके लिए डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू को पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो डेल ओवर डेल एक्स निकाल लें, एफ की वैल्यू यहाँ पर नोट कर रहे हैं जो भी दे रखी थी क्वेश्चन में, तो वह थी 2x स्क्वायर वाई माइनस का x टू दी पावर 4 इंटू आई कैप और प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई माइनस वाई इंटू साइन एक्स इंटू जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई है इंटू के कैप, तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में हमें पार्शली डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं इस वाले टर्म का, तो उसमें भी दो टर्म है, तो फर्स्ट वाले का करेंगे तो 2 इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, इनको तो हम वहाँ लिख देंगे, x के लिए y कॉन्स्टेंट होता है और y का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो आ जाएगा 2x माइनस इसका करेंगे पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम होकर 3 पावर हो जाएगी, आई कैप कॉन्स्टेंट था इंटू में था तो उसे बाहर लिखा हुआ था, ऐसे जेकब को बाहर चाहे पहले लिख दें या बाद में लिख देंगे, लेकिन हमें अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर x का जिस तरीके से e की पावर x होता है लेकिन ये x नहीं है इसको दोबारा करेंगे, तो जैसे पहले बता चुके हैं डिटेल में ऐसे डायरेक्ट अब कर देना है, क्योंकि y इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और x इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो इसमें भी दो टर्म है, इसमें ये फैक्टर है y कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ये j कैप लिख दिया, प्लस इस वाले टर्म का जो डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो इसमें cos y इंटू में कॉन्स्टेंट ने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2x हो जाएगा, k कैप भी कॉन्स्टेंट था इंटू में था, इसे हमने साइड से लिख रखा है। अब ये वैल्यू आ गई है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स वाई माइनस 4x की पावर 3 आई कैप प्लस यहाँ पर जो लिखा हुआ है जैसे पहले लिख दें, इन दोनों में से हम y को कॉमन भी ले सकते हैं, तो y को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा e की पावर एक्स वाई माइनस का cos x इंटू जे कैप और प्लस का 2x इंटू कॉस वाई इंटू के कैप। अब ये जब हमें मिल गया है तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं, यानी डेल टू एफ वेक्टर ओवर डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन कर दें इस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो इसमें इसकी जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 4x y माइनस 4x क्यूब इंटू आई कैप और प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स वाई माइनस कॉस एक्स इंटू जे कैप और प्लस का 2x इंटू कॉस वाई इंटू के कैप। अब इसको हम टर्म बाई टर्म जो है वो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जब इसका करने जा रहे हैं तो एक्स वाई के लिए एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो 4x को बाहर ले लें, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया और माइनस इस वाई के लिए एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो इसका तो जीरो हो जाएगा तो सिर्फ आई कैप आएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हम वाई के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकेंड लगा दें, फर्स्ट फंक्शन ये तो यहाँ पर कंप्लीट करके लिख दें, आई वाला जे वाला जब हम लिख रहे हैं तो इसमें
जी इसका जब डिफ्रेंसीशन करने जाना है तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस इस पूरे को सेकंड मान लें, ये आई तो कांस्टेंट है, जे कैप तो कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एज ए डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकंड यानी ई की पावर एक्स वाई माइनस कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख देंगे एज ए टी की पावर एक्स वाई माइनस कॉस एक्स और फर्स्ट फंक्शन का यानी वाई का डिफ्रेंसीशन वाई के रिस्पेक्ट में जे कैप इंटू में बाहर लिख दिया कॉन्स्टेंट था, और इसका जब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करने जा रहे हैं तो एक्स y के लिए x कांस्टेंट होगा तो 2x और k कैप तो कांस्टेंट होगा बाहर लिख देंगे, और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का sin y होगा जो हमने यहाँ पर लिख लिया है, और k कैप को यहाँ पर ऐसे साइड से लिखा हुआ है। अब इसे ये मोली 4x बचा हुआ है इक्वल टू 4x i कैप आ गया प्लस अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना रह गया है हम लोग, जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे ई बार एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है यानी वाई है तो वाई होगा, लेकिन वाई है नहीं ये तो एक्स वाई है, इसका दोबारा करने पड़ेगा और एक्स वाई में एक्स इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होगा और एक्स वाई के लिए एक्स कॉन्स्टेंट होगा इसका डिफरेंशिएशन जीरो प्लस ई टू द पावर एक्स वाई माइनस कॉस कॉस एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा इंटू जे कैप, और ये माइनस में शुरू में लिख देंगे 2x इंटू साइन वाई इंटू के कैप। अब जो है 4x इंटू आई कैप और फिर प्लस ये जो है जितना लिखना है उसको लिख देंगे यानी इसका इंटू करेंगे तो एक्स वाई इंटू ई टू द पावर एक्स वाई और प्लस फिर इसको लिखेंगे ई टू द पावर एक्स वाई और माइनस का कॉस कॉस एक्स है और इसके में जो है जे के मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पर ये लास्ट वाला टर्म लिखना है जो कि माइनस का टू एक्स इंटू साइन वाई है इंटू के से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर जो है इक्वेशन वन में देखिए थोड़ी सी गलती हो रही है, ये इसमें शुरुआत में चल रहा था इक्वेशन वन कैसे आया था जब पेज पलटा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, जब हमने इसका टर्म इंटू किया और सॉरी डिफरेंशिएशन किया इसका किया, जब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे थे तो ये गलती होगी कि आपने डिटेक्ट कर ली होगी, मालूम नहीं मैं क्या समझ में आया, तो इसका डिफरेंशिएशन जब किया तो माइनस कांस्टेंट है साइन वाई कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में पॉसिबली डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये के कैप कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, तो पहले तो लिख लें माइनस साइन वाई और के कैप, तो माइनस साइन वाई और के कैप तो लिख लिया, और एक्स स्क्वायर का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x आएगा, तो यहाँ पर लिखना चाहिए 2x, वो हमें पता चला हम जब हम इक्वेशन नंबर 1 को और जब इक्वेशन नंबर 2 आने वाला है तो इसको इक्वेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इक्वल नहीं आ रहा था, तो हमने कही गलती हो गई कुछ तो के वाला हमें मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पर गलती डिटेक्ट हो गई है, तो अब ये 2x को शुरू में लिख दें क्योंकि इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर 2x लिख दें और यहाँ पर माइनस से पहले माइनस के बाद में 2x आएगा इंटू साइन वाई, तो ये अब यहाँ से देखिए मैच कर गया माइनस 2x साइन वाई, ये हमारा जो चल रहा था सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y और x, तो अब इसको थोड़ा सा उस तरीके से लिख दें जिस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है, फिर भी देखिए इसमें जे वाले में प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा यानी कुछ गलती शायद हो रही होगी यहाँ पर, वो गलती यहाँ पर कॉस एक्स नहीं आ रहा उसमें, या तो इसमें गलती है या वहाँ पर है, तो दोनों को हम सुधार करके देख सकते हैं, तो हम जब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं यहाँ पर तो फर्स्ट सेकंड वाई के लिए या वहाँ पर चेक कर लेते, वहाँ पर पेज पलटा था तो ज़्यादा गलती के चांसेस थे, तो जब इसको डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन ये है सॉरी इस टर्म का इंटू करना है और इसका, तो इसमें तो फर्स्ट सेकंड लगाया होगा, इसमें साइन का माइनस का कॉस बाई डिफरेंशिएशन हो गया होगा माइनस का कॉस बाई, तो वो टर्म तो लिखा ही नहीं यहाँ पर तो इसलिए गड़बड़ी आ रही है, तो ये तो लिख दिया फर्स्ट सेकंड और यानी शुरुआत वाले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड और सर, ये पेज पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पर भी गलती हो रही है जे वाले में भी गलती आ रही है, तो उसका सुधार करते हैं, यानी इसमें था ये जो जे वाला है माइनस का साइन एक्स है तो एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंस है माइनस कॉस एक्स और आ जाएगा यहाँ पर, तो इसके बाद जो है इसके बाद में लिख दीजिए माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स यहाँ पर चलेगा, तो जगह नहीं हमारे पास तो हम यहाँ पर लिख सकना चाहिए था कायदे, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं माइनस का कॉस एक्स और यहाँ पर जे के कोएफिशिएंट में यहाँ पर
यहाँ पर जगह नहीं है, इसी में ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉस एक्स कर देंगे। तो अब हमारा देख रहे हैं कि बिल्कुल मैच कर गया है। तो टाइम की कमी है और हमें बहुत सवाल सॉल्व करना है, तो हम दोबारा से इसको लगा देते क्योंकि बहुत सी डिमांड पड़ी हुई है और टाइम की कमी है 2xi कैप, इसलिए हमें इसको करेक्शन यहीं पर करना पड़ रहा है। तो देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे हमारे पास पहले इक्वेशन नंबर 1 था, यानी इक्वेशन नंबर 2 तो इसे कम्प्लीटली सॉल्व है, इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा सॉल्व नहीं था उसे, आप समझ सकते हैं ये डेल वाई और डेल एक्स था। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये हमारा एक्स एक्स की पावर एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई है ये ई टू द पावर एक्स वाई, ऐसे ही हमारे इक्वेशन नंबर 2 में देखिए एक्स इंटू वाई ई की पावर एक्स वाई है, फिर इसमें प्लस का ई की पावर एक्स वाई है तो इसमें भी प्लस का ई टू द पावर एक्स वाई है, फिर इसमें देखिए माइनस इस ब्रैकेट के में ही अंदर माइनस कॉस एक्स है तो इसमें भी माइनस का कॉस है, जे का कोएफिशिएंट मिल गया और के का कोएफिशिएंट भी माइनस 2x साइन वाई के की पावर के कैप है, इधर भी माइनस 2x साइन वाई इंटू के की पावर के है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं कि डेल 2 एफ वेक्टर ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल 2 एफ वेक्टर ओवर डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकरु दामान आलम दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।